गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं आपको ऐड फंड करके दिखा रहा हूं और मैंने खोली है जेड पे ऐप। ये मैं ओके कर रहा हूं और मेरा जेड पे खुल चुका है और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि किस तरीके से आपका ऐड फंड होने वाला है, ठीक है। और मैं ये प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ दोस्तों कि आपका ऐड फंड होगा। चलिए ऐड फंड करते हैं हम, किस तरीके से हो रहा है। मैं ऐड फंड पे क्लिक करता हूँ और 500 रुपये मैं इसमें डाल देता हूँ और पे नाउ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैंने पे नाउ पे क्लिक कर दिया और मेरे ऑप्शन चल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं जैसे UPI, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, स्कैनर। तो मैं आपको सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ, स्कैनर पर जाइएगा। आप स्कैनर को क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक स्कैनर का बार कोड खुल चुका है। आपको क्या करना है, स्कैनर का स्क्रीन शॉट ले लेना है। अभी जैसे मैं ले रहा हूँ, मैंने स्क्रीन शॉट ले लिया और अब मैं इसको यहीं के यहीं ऐसे ही चलने देता हूँ और वापसी चला जाता हूँ पेटीएम फ़ोनपे में। मुझे ये हटाना नहीं है, बस मिनिमाइज कर देना है और पेटीएम फ़ोनपे किसी भी ऐप को खोल लेते हैं। मैं वापसी जा रहा हूँ और मैंने पेटीएम में मैं चला गया, मैंने पेटीएम ओपन किया और पेटीएम मैंने क्लिक किया, ठीक है। मैं पेटीएम के गया स्कैन पे में, जहाँ से स्कैनर ओपन होता है स्कैन पे में गया और मैंने फिर यहाँ पर तीन ऑप्शन है, ऊपर लाइट है, बीच में स्कैन फ्रॉम गैलरी व्हाट्सअप QR। तो मैं स्कैन फॉर गैलरी व्हाट्सअप में जाऊंगा कि स्क्रीन शॉट वहाँ पर पड़ा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन खुल गया है। मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ऑटोमेटिक 500 रुपये जेड पे ने ले लिए। ये ऑप्शन आएगा, मुझे ओके करना है। अब आप देख रहे हैं जेड बाजार सॉल्यूशन ऊपर दिखाई दे रहा है, मैं इसे प्रोसीड कर रहा हूँ। प्रोसीड करने के बाद पे सिक्योरिटी, मुझे इसमें अपना नंबर डालना है, वो मैं डाल रहा हूँ। ये मैंने भर दिया है दोस्तों ये, और मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ और आप देखेंगे कि देखिए दोस्तों मेरा पेटीएम जा चुका है कंपनी में। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ऊपर आप देख भी सकते हैं और इस तरीके से आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन आया जिसमें 500 रुपये एंड योर फंड वॉलेट में ऐड हो भी चुके हैं दोस्तों। चलिए अब मैं बैक चलता हूँ दोस्तों। क्या करना पड़ा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। वहाँ से आपने स्क्रीन शॉट ले लिया और वो ऐप आपने वहाँ पर छोड़ दी थी, ठीक है। अब दोस्तों हम ऐप को दोबारा से खोल लेते हैं। चलिए ऐप में चलते हैं और ऐप को खोल के देखते हैं कि क्या हुआ है। मैं ऐप खोल रहा हूँ दोबारा से, ये मेरी ऐप खोल रही है और आप देखिए मैंने ओके कर दिया है। अब चेक करते हैं कि फ़ंड ऐड हुआ कि नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, मेरा फ़ंड ऐड हो चुका है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं देख रहा हूँ क्रेडिट बाई सेल्फ UPI, ये 500 रुपये मेरा फ़ंड आ चुका है। मैं नोटिफिकेशन में चलता हूँ और नोटिफिकेशन में देखता हूँ, यू हैव रिसीव योर 500 रुपीज इन योर वॉलेट सेल। तो मुझे यहाँ पर 500 रुपये मिल चुके हैं। इससे पहले आप देख रहे हैं 10:22 पर, इससे पहले 10:17 पर मैंने 1000 रुपये का किया था, 1000 रुपये भी आ चुके हैं। इससे पहले 10:16 पर मैंने 500 रुपये किया था, 500 भी आ चुके हैं। दोस्तों मैं 3 बार फंड लगा चुका हूँ और तीनों फंड मेरे तत्काल आ चुके हैं। अब मैं आप सबसे कहूँगा, आप भी इसी तरीके से फ़ंड ऐड कर लीजिए और आपके काम की शुरुआत कीजिए। दोस्तों अब किसी प्रकार का कोई डर नहीं, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों क्या है, बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन यहाँ पर फंड ऐड हो रहा है। UPI पर अभी वर्किंग चल रहा है लेकिन कंपनी ने स्कैनर दे दिया है, आप वहाँ से इजीली फंड ऐड कर सकते हैं कोई भी किसी। थैंक यू सो मच जेड पे, आई एम वेरी हैप्पी जेड पे। थैंक यू।